सलमान फारसी एक इस्लामिक इन्वायरमेंटल स्कूल है जहां इल्म की रोशनी है, साथ ही CBSE बेस्ड सिलेबस, वेल इक्विप्ड साइंस एंड कंप्यूटर लैब और क्वालिफाइड टीचर्स, सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज सेक्शंस, एम्पल ऑफ प्लेग्राउंड विथ नेचुरल एनवायरमेंट और स्विमिंग पूल फॉर प्री स्कूल, स्पोकन इंग्लिश, नमाज, इस्लामिक सिलेबस फ्रॉम द बिगनिंग। अपने बच्चों को इस्लामिक माहौल और आला तालीम दें। आज ही एडमिशन ले रीजनेबल फीस के साथ। सलमान फारसी स्कूल, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की तामीर। मेरा लड़का और मेरा भांजा आगे थोड़ा पैदल चला, वो पीछे से आके जानबूझ के मारा। वो इतनी ज्यादा चोट और इतना मार लग चुका था कि वो बर्दाश्त नहीं कर सका। 18 दिन वो जो जिया, बहुत ज्यादा तकलीफ में जिया। वो एक एक सांसें बहुत मुश्किल से ले पा रहा था और वो सब तकलीफें हम लोग खड़े रह के उसकी देख रहे थे कि मेरा बच्चा तो चला गया दुनिया से, लेकिन उसको जो मारने वाला वो नहीं बचना पाए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पिछले दिनों हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि शमशाद नगर के पास इम्तियाज़ खान नाम के शख्स को एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने पीछे से टक्कर मार दिया था और सर में चोट लगने की वजह से उन्हें जो है हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, प्राइम हॉस्पिटल में। इंशा नगर के रहने वाले थे इम्तियाज़ खान। दरअसल इस पूरे मामले में जो है ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो है उसे जो है पुलिस ने पकड़ा था, लेकिन इलाज के दौरान इम्तियाज़ खान की जो है मौत हो गई है। ऐसे में पूरा परिवार हमारे साथ है। नईम खान साहब हैं जो इम्तियाज़ खान के पिता हैं, उनकी माँ हमारे साथ हैं। बात करेंगे हम नईम भाई से। नईम भाई, इम्तियाज़ खान का इलाज चला काफ़ी दिनों तक अस्पताल में और बताया जा रहा है कि उनकी डेथ हो गई, तो कब उनका डेथ हुआ और पुलिस से आपको क्या उम्मीद है? क्योंकि पहले पुलिस ने जो CCTV फुटेज वगैरह से जो भी गोपनीय तंत्र था उसे पकड़ा गया था, जो इम्तियाज़ की मौत हो गई है, तो पुलिस से क्या उम्मीद? डेट तो देखिए हो गया बच्चे का मेरे, अब पुलिस से इंशाल्लाह उम्मीद है कुछ मेहनत करके हमारे बच्चे का, मेरे बच्चों का, बच्चे के बच्चों का हक दिलाए। अब मेरी बहू की भी तबीयत ज़रा सही नहीं है, 3 बच्चे प्रेगनेंसी से है मेरी, और मेरी बहू और 2 बच्चे उनके, दोनों बच्चे इम्तियाज़ भाई के, इम्तियाज़ खान के बच्चे दोनों। अब वो बच्चा तो कल इंतकाल होगा उसका। पुलिस से ये उम्मीद है मेरे बच्चों का हक, आप कोशिश करके मेहनत से ज़रा मेरे बच्चों का हक के कोशिश करिए ज़रा। पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस माशाल्लाह अच्छी है, पुलिस है ये, पुलिस का चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, खबर से भी आदमी को खोद कर निकाल के पेश करती है पुलिस, माशाल्लाह बहुत अच्छी है हमारे महाराष्ट्र की। तो ये उम्मीद है मेरी, मैं अपने क्या बताऊँ पुलिस। आपके लड़के की, इम्तियाज़ की जब से डेथ हुई तो क्या पुलिस ने फिर उसे पकड़ा दोबारा, ऐसे कुछ जानकारी आप लोगों को मिली? हाँ, पकड़े पुलिस ने, पकड़े है ये, और अच्छी बात है ये महाराष्ट्र पुलिस की एक्शन में जैसे अच्छे से अच्छा काम कर रही है। क्या नाम है उस रिक्शे ड्राइवर का, कुछ पता चला है? रिक्शे ड्राइवर का फोटो है और विष्णु नाम है, और रक्षा का इंश्योरेंस नहीं है। तो कोई भी मुमरा एक ऐसी सिटी है कि भाई पॉपुलेशन ज़्यादा है मुमरा की, तो उसमें कोई भी एक्सीडेंट करता है, गाड़ियाँ लीगल अनलीगल गाड़ियाँ नहीं चल रही। पुलिस ने क्या बताया आपको कि उसने क्यों टक्कर मारा था, ऐसा कुछ वाद विवाद हुआ था, क्या बयान दिया उसने? पुलिस ने तो ऐसा महसूस हो रहा है कि वो बोल रहा है कि मार, एक्सीडेंट कर उसको, बोल के मार उसको जान से मार, झगड़ा वाल पहले बहस हुई मेरा भांजे से, बहस हुई ऑटो वाले की, मेरा भांजे को उसने मारते हुए गया तो दोनों में बहस हुई, मेरा बच्चा समझा रहा था, फिर वो ऑटो वाला वहीं पे रुका, उसके बाद मेरा लड़का और मेरा भांजा आगे थोड़ा पैदल चला, वो पीछे से आके जानबूझ के मारा। वो ऐसा नहीं कि वो गलती से नहीं मारा, वो जानबूझ के मारने, और पुलिस वाले वगैरह अभी जो है दूसरी धारा लगा। कितना दिन इलाज चला इम्तियाज़ का? प्राइम हॉस्पिटल में भी थे बताया जा रहा, फिर साइन हॉस्पिटल में भी इलाज हुआ। 12 दिन प्राइम में चला, फिर हमारे पास पैसे के हालात नहीं हुए क्योंकि हम लोग बहुत कर्जा लेके इलाज उसका करा चुके थे, फिर हमारे हालात
और भी कर्जा लेने की भी हालत नहीं रहे। और इसी बीच में आग भी लग गई, घर में आग लग गई, और हमारे पास ऐसा था कि दवा के लिए भी पैसे नहीं थे हमारे पास, तो फिर हम लोग मजबूरन वहाँ से साइन हॉस्पिटल शिफ्ट करे बच्चे को आगे के इलाज के लिए। तो फिर 5 दिन वहाँ पे बच्चा मेरा था, उसके बाद मेरा बच्चा नहीं बचा वहाँ से। उसको इतनी ज़्यादा चोट और इतना मार लग चुका था कि वो बर्दाश्त नहीं कर सका मार अपना, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था। 18 दिन वो जो जिया बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में जिया, वो एक एक सांसें बहुत मुश्किल से ले पा रहा था, और वो सब तकलीफ़ें हम लोग खड़े रह के उसकी देख रहे थे, लेकिन हम लोग सिर्फ दुआई कर रहे थे और यहाँ वहाँ से इलाज के लिए कोशिश कर रहे थे। ना हमारे लिए कहीं से मदद आई, ना हमारे बच्चे का कहीं से सही, थोड़ा रिश्तेदार लोगों ने हमारे मदद किए दवा ववा के लिए, बाकी कुछ नहीं कर सके। अभी पुलिस से ये उम्मीद है कि मेरा बच्चा तो चला गया दुनिया से, लेकिन उसको जो मारने वाला वो नहीं बचना पाए, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले, और मेरे बच्चे का जो भी इलाज का खर्चा हुआ, और ये मेरे बच्चे हैं, मेरे पोते हैं दोनों, उनको भी कुछ इनका हक मिले। मैं पुलिस से अच्छे की उम्मीद रख रही हूँ कि वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। अब तक जो हम लोग तकलीफ़ उठाए उसका हमको आगे तो कुछ हमारे बच्चों को कुछ अच्छा सिला मिले, मैं ये उम्मीद रखती हूँ पुलिस से। कितने दो ही बेटे थे उनके? दो बच्चे हैं, तीसरा प्रेग्नेंट है मेरी बहू, और उसकी ऐसी हालत है कि वो बात करने की भी कंडीशन में नहीं है, इतनी उसकी तबीयत ख़राब है। उससे हमारे पर बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया दुखों का। मेरा जो घर जला नुकसान हुआ, उससे ज़्यादा तकलीफ मेरे को मेरे बच्चे की जान की है। मेरा नुकसान माली नुकसान तो कभी भी पूरा हो जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे की जान अभी दोबारा नहीं आएगी। ये मासूम बच्चों की ज़िंदगी है, बाप इतनी कम उम्र में इनके सर से बाप का साया अट गया, और जो बच्चा दुनिया में नहीं आया वो पहले से यतीम हो गया बच्चा। बस पुलिस से ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे और सज़ा दे, कि कुछ तो हमको तसल्ली हो कि मेरे बच्चे को मारने वाले को कुछ तो सज़ा मिली, कुछ हमको इंसाफ मिला। हमको ये पुलिस से उम्मीद है कि आगे अच्छे से सही कार्रवाई होगी और उसको सज़ा मिलेगी, उससे कोई रियायत नहीं किया जाएगा। परिवार का साफ तौर पर कहना है कि जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि इम्तियाज़ खान जो है वो शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी हैं। देखिए यहाँ पर और बताया जा रहा है कि उनकी जो वाइफ थी वो भी प्रेग्नेंट है। काफ़ी इनके परिवार के ऊपर जो है दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उधर इम्तियाज़ का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद घर में आग लग गई, फिर इम्तियाज़ को प्राइम हॉस्पिटल से साइन हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। पैसों की भी काफ़ी किल्लत थी, लेकिन जैसे तैसे करके परिवार जो है इम्तियाज़ का इलाज कर रहा था, लेकिन आखिरकार इम्तियाज़ जो है ज़िंदगी से जो है हार गया और उसकी जो है मौत हो गई। लेकिन परिवार पुलिस पर उम्मीद लगाई है कि पुलिस उसे इंसाफ देगी।